साथियों जय हिंद। एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेट एग्जामिनेशन को टारगेट में रखते हुए उसी की तैयारी के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी के गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा विस्तृत रूप से बताया था। उसकी जो बारीकियाँ हैं, जो गलतियाँ करते हैं, उस बारे में मैंने आप लोगों को सतर्क किया था। और साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने एक गद्यांश को अभ्यास के रूप में किया भी था। तो दोस्तों, आज उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं हिंदी के, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा नंबर दे के जाता है, इसीलिए आज फिर हम लोग हिंदी जो गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित हम लोग फिर से एक अभ्यास करेंगे। और जो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस जो ये सबसे आसान जो टॉपिक है हमारा हिंदी को, इसे आप लोग काफ़ी आसानी से समझ जाएँ और इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि कम से कम गलतियाँ हों, गलतियाँ होने की संभावना हमारी जो है लगभग कम हो जाए। गलतियाँ हो जाना तो स्वाभाविक चीज़ है, एक ह्यूमन हो ही होता है, लेकिन फिर भी इस गलतियों को जहाँ तक हम लोग कम कर सकते हैं अभ्यास के माध्यम से, उतना कोशिश हमें करना चाहिए। हमें लगता है ये टॉपिक सबसे बेहतरीन है, इसे आप लोगों को ज़रूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी अगर हार्ड लगता है, लेकिन ये तो बिल्कुल रूप से काफ़ी आसान है। अगर इसे आप लोग सोच लेंगे, इसे आप लोग अगर करना सीख जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज फिर से इस पर 5 क्वेश्चन करेंगे और निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है जो हिंदी के जो और हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज फिर से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें गद्यांश आप लोगों को दे रखा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कैसे क्या करते हैं उसे। आप लोग अगर ये वीडियो अगर देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए और जो पहला वीडियो उसे आप लोग जरूर सीन करिएगा। दोस्तों, तो देखिए आइए, इसमें कह रहा है कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपने जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। ठीक है दोस्तों, काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, कम से कम इसे 2 से 3 बार पढ़ना ही चाहिए। 2 से 3 बार पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, फिर यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको थोड़ा करने में आसानी होगा। तो देखिए, कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपने जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं, उसे मजबूती प्रदान करते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है ना दोस्तों। तो आइए अब हम लोग इस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी आराम से और धीरे धीरे, इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ने से क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको छूट सकती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़िएगा। ठीक है, आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उस पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इसमें दे रखा है जमीन का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है, जो समान अर्थों में शब्द प्रयोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पर्यायवाची कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आपसे जमीन का पर्यायवाची पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द भी हमारे सिलेबस में है, उसको भी हम लोग अपने आगे वाले क्लास में उसको देखेंगे। तो पर्यायवाची का सीधा सा मतलब यही है कि जिस जो जो अगर मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक समान अर्थ में अगर प्रयोग किया जा सकता है तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, तो जमीन का पर्यायवाची पूछ रहा क्या नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। तो जमीन का पर्यायवाची नहीं है पृथ्वी, पृथ्वी को जमीन के रूप में लिया जा सकता है, धरती, धरती को भी जमीन के रूप में, अचला, ये भी धरती, अचला का मतलब पृथ्वी होता है, मतलब जमीन ही हो गया। बिटप, बिटप दोस्तों आप लोग जानते होंगे, बिटप मतलब होता है पेड़ या वृक्ष। ठीक है, यानी बिटप इसका राइट आंसर है, मतलब बिटप जो है जमीन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब निम्न में से अव्यय है। दोस्तों, अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है, यानी अभिकारी शब्द, क्या, अभिकारी शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन है ना, इन सब चीज़ों का उनसे मतलब, इन सब चीज़ों से उनके अंदर अगर विकार ना उत्पन्न हो, है ना, मतलब
तो जैसे एक जगह यूज होते हैं वैसे दूसरी जगह भी यूज अगर होते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, करते हैं हम लोग बिना कोई चेंज किए तो क्या कहलाते हैं, अव्यय। जैसे जो, सो, अब, तब, यहाँ, वहाँ, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब अव्यय शब्द हैं। इनका लिंग वचन आदि के प्रयोग से इनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए आप लोगों को बस थोड़ा सा समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए राम जाता है, राम जाता है, ठीक है, राम जाता है। यहाँ पे देखिए सीता, सीता जाता है, सीता जाता है होगा, नहीं सीता जाती है। तो दोस्तों देखिए जाता का ये जो जाना शब्द है हमारा, जाना शब्द को अगर हम कंसीडर करें तो देखिए लिंग के अनुसार चेंज हो जाता है ना, लिंग के अनुसार चेंज हो जाता है। लेकिन अव्यय शब्द यानी अव्यय शब्द यानी अविकारी शब्द ये नहीं है, ठीक है, ये विकारी शब्द है। तो इसी तरह से अव्यय जो होता है वो ऐसा होता है कि वो जो जहाँ रहता है वो एक ही समान रहता है ना, उसका उसको जो है चेंज नहीं होता, उसके ऊपर ये लिंग वचन आदि का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे तो इसमें आप बताइए निम्न में से अव्यय कौन है, तो समाज, खंड, एक, व्यवस्था। तो सब देख सकते हैं समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, खंड के ऊपर पड़ता है, व्यवस्था के ऊपर। एक जो है हमेशा एक जगह यूज होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एक अव्यय है यानी अभिकारी शब्द है। अगला देखिए कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है, क्या प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों। प्रत्यय देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने दो चीज पढ़े होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं ना। तो देखिए उस प्रत्यय पहचानने का अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं इसका, जो देखिए ये तो सभी को पता है लास्ट में ओ है तो सभी लोग ओ निकाल देंगे, निकाल लेंगे, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ई है ना, ई। तो ऐसे में आप लोग प्रत्यय के अंदर गलती कहाँ करते हैं, आप लोग जो लास्ट का अगर आप लोग ये मतलब जो मात्रा होता है जैसे आप ओ दे रखा है इसको आप लोग अलग कर देंगे, ठीक है। इसको अलग करने के बाद आप देखिए जो बच रहा है उसका कोई मतलब है कि नहीं, अगर अलग करने के बाद कोई मतलब शब्द का जो बचा उसका है तो वो इसका मतलब ये है कि उस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है ना। और अगर अलग करने के बाद जो शब्द बचा है उसका कोई अगर मतलब ना निकले तो हम कहते हैं कि उस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जैसे देखिए पशुओं में अगर आप ओ निकाल लेंगे तो पशु है, पशु का मतलब तो है। लोगों में दोस्तों अगर आप ओ निकाल लेंगे तो लोग मतलब है। सदस्यों में अगर आप ओ निकाल लेंगे तो सदस्य बचेगा, तो सदस्य में भी सदस्य का भी मतलब है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए पीढ़ी, पीढ़ी में आप ई निकाल लेंगे तो पीढ़ा हो जाएगा, पीढ़, पीठ नहीं, ठ नहीं है, पीढ़ा, पीढ़ का कोई मतलब नहीं है। यानी इसमें जब आप ई निकाल दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जा रहा है, इसका मतलब इसी में जो है प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए निम्न में तत्सम शब्द है, तत्सम दोस्तों हमारे तत्सम, तद्भव, देशी, देशज, विदेशज, ये सब शब्द होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए तत्सम शब्द भी होते हैं। तत्सम शब्द समझ लीजिए संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत से डायरेक्ट वैसे के वैसे बिना किसी चेंजिंग के ले लिए जाते हैं, हिंदी भाषा में इनको यूज किया जाता है हम लोग डायरेक्ट, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और कुछ होते हैं तद्भव शब्द, तद्भव वो होते हैं कि जिनको हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा तोड़ फोड़ के है ना, संस्कृत के ही होते हैं उनको हम अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो देखिए जमीन, जमीन हमारा तत्सम शब्द नहीं है। शून्य, देखिए शून्य हमारा क्या है जो है तत्सम शब्द है। शून्य का जो तद्भव होता है क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, य की जगह भी न होता है, शून्य होता है ना। ये देखिए खुद ये भी तद्भव है, मजबूत ये भी तद्भव, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है तत्सम है। अब देखिए विलोम शब्द पूछा है, तो जैसा पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताया, पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि जो समान अर्थों में प्रयोग हो है ना, उसी प्रकार जो विलोम होता है, विलोम क्या होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। तो यानी एक ऐसा शब्द जो दिए हुए शब्द का उल्टा अर्थ प्रदान करे वो क्या कहलाएगा, उस शब्द का विलोम शब्द कहलाएगा। तो विलोम शब्द मतलब देखिए अजीवित, अजीवित सही नहीं है, आजीवित ये भी सही नहीं है, मृत, जीवित का मतलब जो जिंदा है, तो मृत का मतलब मरा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों गद्यांश इसी तरह से दो गद्यांश मिलेंगे आपको पेट परीक्षा में, और प्रत्येक गद्यांश पर इसी तरह से 5 प्रश्न होंगे, ऐसा नहीं कि यही गद्यांश होगा, यही कुछ भी, कुछ कोई भी गद्यांश, गद्य का कोई भी अंश आ सकता है, आप लोगों को 5 प्रश्न उसमें से मिलेंगे, और आप लोग काफ़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं अगर आराम से, इत्मीनान से, कंसेंट्रेट होकर अगर आप पेपर करेंगे दोस्तों, निश्चित रूप से।
कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग इसे देखिए और साथ ही साथ अपना और भी जो है प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। एग्जाम ड्यूटी सेंटर की तरफ से भी आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस करवा दिया करवाया जाएगा। सारे समय समय पर आप लोगों को वीडियो पढ़ती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा। और अगली क्लास जो है दोस्तों उसमें आप लोगों को संधि विलोम इन सब के चीज़ों में आपको बताया जाएगा। और दोस्तों हमारी आप लोगों को पता है राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो हमारी जो अगली क्लास होगी दोस्तों उस अगली वीडियो आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन का मिलेगा। उसमें आप लोग पूरा जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुआ है और भारत की आज़ादी यानी 1947 तक चला है, उसके बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आप आराम से बस पढ़ते रहिए बिल्कुल ध्यान से और प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पर भी आप लोगों को पूरी तरह करवाया जाएगा। दोस्तों आप लोग हमसे जुड़े रहिए और भी तैयारियों के साथ साथ पेट की भी तैयारी के लिए भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ आपको ना समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक दोस्तों इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर लोग मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।